नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अधिवक्ताओं ने एसपी को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल एडवोकेट नीरज देवलिया ने ये आवेदन दिया है, जिनको देने के लिए काफी सारे अधिवक्ता पहुंचे थे। ज्ञापन में जानकारी दी गई कि नीरज देवलिया के मोबाइल नंबर पर चल रहे फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है। उसका मैसेंजर हैक करने के बाद अब उससे कई लड़कियों को ऊटपटांग के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में साइबर सेल से जांच कराकर आरोपी को पकड़ने की मांग की गई है। नंबर पे मेरे भाई अरविंद चौधरी का रात में 2:30 बजे कॉल आया और मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांगी। मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी, तो जब से मेरा फेसबुक अकाउंट मैसेंजर अकाउंट हैक हो गया है और मैसेंजर अकाउंट कोई और चला रहा है, जैसे मेरे मैसेंजर अकाउंट से कई लड़कियों को मैसेज कर रहा है, इसलिए मैंने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। वो असली मैसेज कर रहा है। कब से कर रहा है ये? रात 2:30 बजे से कर रहा है। साहब ने कहा कि जल्दी कार्रवाई होगी और जल्दी जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। अरे, मेरे साथी अधिवक्ता नीरज देवलिया और अरविंद चौधरी के मोबाइलों को हैक कर लिया है किसी सारे क्राइम अपराधी ने, और दोनों नंबरों से लेडीजों को असली मैसेज कर रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, अब किसी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हमने एक आवेदन पत्र एसपी साहब को दिया है ताकि ये जो मैसेंजर आ रहे हैं, मैसेज असली मैसेज आ रहे हैं, इनको तत्काल रोका जा सके और उस अपराधी को पकड़ के गिरफ्तार किया जा सके। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।